दोस्तों नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का JLC IAS परिवार के द्वारा मैं स्वागत करती हूँ। चलिए दोस्तों, मैं कामिनी कौशल लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की सीरीज़। आज हम लोग दोस्तों करेंगे भाग 7, जो कि होगा आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से किस नदी पर सबसे ऊंचा जलप्रपात बना है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जो जलप्रपात बना है वो आपकी कौन सी नदी पर जो है बना हुआ है। ABCD चार ऑप्शन है हमारे पास दोस्तों, ABCD हमारे पास चार ऑप्शन है। ABCD देखिए, इसमें से जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी होगा। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, हमारा बी होगा। इसका जो है डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेते हैं। देखिए नदियाँ, सभी नदियाँ जो होती क्या होती है, जलप्रपात बनाती है। देखिए कहीं, क्योंकि जो नदियाँ होती प्राकृतिक रूप से जो बहती है, कहीं पहाड़ ऊंचे नीचे ऐसी जगहों पे नदियाँ जो है हमारी बहती है और नदियाँ जो है जलप्रपात का निर्माण करती है, और जो कि कैसे होते बहुत ही खूबसूरत होते हुए देखने में, ठीक है। पहाड़ों से जब नदियाँ गिरती है वेग के साथ, बारिश में और ज़्यादा वेग के साथ जो फ्लो होता है, जब पानी बहुत ऊंचाई से गिरता है तो उसे ही बोला जाता है, हम लोग जलप्रपात उसे ही बोलते हैं, ठीक है। तो आपका जो है क्वेश्चन ये वाला बहुत ही चर्चित क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि दोस्तों अब ये जो क्वेश्चन का जो डिस्क्रिप्शन मैं आप लोगों को दे रही हूँ, बड़े ही ध्यान से आप लोग पढ़िएगा इसको, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम में इसका क्वेश्चन ज़रूर ही बनेगा, क्योंकि थोड़ा सा इसमें चेंजेस हो गया, ठीक है। तो सबसे लंबा जो जलप्रपात बनता है मध्य प्रदेश में, वो जो है आपका टोंस नदी पर बनता है। कहाँ पर बनता है दोस्तों, टोंस नदी पर बनता है, जो कि देखिए इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए टोंस नदी का उद्गम कहाँ से होता है बेटा, सतना जिले के आपका जो है केमूर पहाड़ी और कौन सा तुंड बेटा, तोमसा कुंड से जो है इसका उद्गम जो है हुआ है, ठीक है। यह नदी प्रयागराज जिले उत्तर में गंगा में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है बेटा, उत्तर में जो है गंगा में यहाँ मिल जाती है, ठीक है। इसकी जो लंबाई टोटल कितनी बेटा, 320 किलोमीटर लंबाई। कितनी इसकी, 320 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। यह मध्य प्रदेश में 328 किलोमीटर बहती। देखिए अब मैडम मध्य प्रदेश में इतना बहती है, तो बाकी जो बचा हुआ उत्तर प्रदेश में बहेगी, बाकी जो है वो कहाँ बहेगी, आपका उत्तर प्रदेश में बहेगी, ठीक है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं बेलन है बिहार, ये नदियाँ क्या बेटा, इसकी सहायक नदियाँ, इसकी क्या है सहायक नदियाँ। और जो है आपकी ये इसी नदी पर टोंस नदी पर ही जो है आपका क्या बनता है, चचई जलप्रपात बनता है। कौन सा जलप्रपात बनता है, चचई जलप्रपात, जो कि 130 मीटर क्या है बेटा, मीटर लंबा, 130 मीटर जो है हाइट इसकी वो है 130 मीटर, ठीक है। लेकिन देखिए क्या होता है कि समय के साथ चीज़ें क्या होती बदलती जाती है, ठीक है। पहले चचई जलप्रपात जो 130 मीटर लंबा था, ये सबसे लंबा था, लेकिन वर्तमान में बिहड़ नदी पर जो कि टोंस की सहायक नदी, बिहड़ नदी क्या है बेटा, टोंस की सहायक नदी है, और सहायक नदी पर बहुटी, कौन सा बेटा, बहुटी जो है जलप्रपात आपका जो है बनता है ना, ये कितना 198 मीटर बनता है। कितना बेटा, 198 मतलब 198 मीटर लंबा। मतलब देखिए चचई जलप्रपात आपका कितना बन रहा था बेटा, 130 मीटर बन रहा था, और यहाँ जो आपका ये कौन सा बहुटी जलप्रपात कितना बन रहा है आपका, 198 मीटर बन रहा है ऊंचा। इस नदी को पुराणों में, मत्स्य पुराण वाल्मीकि में और रामायण में इसको क्या कहा गया है, तोवान नाम इसका दिया गया है। क्या दिया गया बेटा इसका, तोवान नाम इसका जो है दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, हमें जैसे कि पहले जो क्वेश्चन हमें पूछा जाता था कि सबसे बड़ा जो जलप्रपात बनता है वो आपका चचई जलप्रपात है, लेकिन वर्तमान में जो है आपका जलप्रपात सबसे बड़ा कौन सा बेटा, आपका बहुटी जलप्रपात है, जो कि कितना 198 मीटर जो है लंबा है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है बेटा यहीं से ही आपका क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन जो है आपका बनेगा। देखिए आप लोग बोलेंगे मैडम कि चचई जलप्रपात तो ठीक है अच्छी बात है, लेकिन बहुटी जलप्रपात हमने नहीं देखा है कैसा है, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ बेटा कैसा। ये रहा आपका बहुटी जलप्रपात, देखिए कितना भयंकर पानी है इसमें, है ना, कितना फ्लो, बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है। तो ये जो है हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो है आपका जलप्रपात है बहुटी जलप्रपात, ये कि जिसकी लंबाई है 198 मीटर जो है यह लंबा है, ठीक है। चलिए दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा, बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस नदी का अन्य नाम दीदी है। किस नदी का अन्य नाम क्या है बेटा, दीदी है। देखिए ABCD हमारे पास चार ऑप्शन दिए हैं, बेटा, ठीक है। चलिए देखिए इसको और रीड करिए आप लोग।
चलिए दोस्तों, ए बी सी डी हमारे पास चार ऑप्शन दिए हैं। देखिए, निम्न में से किस नदी का नाम दीदी है? देखिए, इसमें से जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी होगा। राइट आंसर क्या होगा बेटा? हमारा सी होगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा सी होगा। देखिए, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में बेटा जो क्वेश्चंस बनेंगे आपके सिर्फ एक्चुअल क्वेश्चन ही आपके बनेंगे, कि आपको जो है नदियों के बारे में डिटेल पता होनी चाहिए। देखिए, वैनगंगा नदी का उद्गम आपके आपके सिवनी के पासरवाड़ा पठार मुंद्रा ग्राम के समीप हुआ है। ठीक है, मुंद्रा ग्राम के समीप जो है हुआ है ना। और इसके जो अन्य नाम है, अन्य नाम इसको वेना, दीदी, वैण्या, वैण्या इसका नाम है। ठीक है, वैण्या इसका नाम है। तो यहाँ मतलब इसके जो नाम है, ये इतने सारे इसका नाम है, इसका जो उद्गम है आपके जो है सिवनी से हुआ है। कहाँ से हुआ? आपके सिवनी से हुआ। इसको जो है, इसको मतलब सिवनी की, सिवनी में से मध्य से ही प्रवाहित होती है। तो इसको क्या बोला जाता है? जो है सिवनी की रेखा, इसे जीवन रेखा इसको बोला जाता है। इस नदी को, कौन सी नदी को? वैनगंगा नदी को। वैनगंगा नदी को सिवनी की जो है जीवन रेखा इसको बोला जाता है, क्योंकि मध्य से प्रवाहित हुई नदी होती है। ठीक है, इसके जो अन्य नाम है वो है आपके वेना, दीदी, वैण्या, ये सारे इसके क्या नाम है? अन्य नाम है। और जो है इसमें जो सतपुड़ा श्रेणी के रजुला ताल, सतपुड़ा श्रेणी का जो रजोला ताल है, यहाँ से अर्धाकार रूप लेकर उत्तर पूर्व की ओर भंडारा महाराष्ट्र वर्धा में यह नदी का मिल जाती। कहाँ पर मिल जाती है बेटा? वर्धा में यह नदी जो है मिल जाती है। ठीक है, कहाँ पर मिल जाती है? आपके महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जो आपकी वर्धा नदी वहाँ पर मिल जाती है। और वैनगंगा और वर्धा, वर्धा नदी का जो संगम है, इसे क्या बोला जाता है दोस्तों? इन इन दोनों का जो संगम होता है, जैसे कि ये रही आपकी वर्धा, ठीक है, ये रही आपकी वर्धा, ठीक है, वे वर्धा नदी रही, ये आपकी कहाँ से? महाराष्ट्र से मिल जाती है। ये नीचे आपका रहा महाराष्ट्र, यहाँ से जो वैनगंगा निकली और ये वर्धा निकली। ठीक है, इन दोनों के जो संगम को क्या बोला जाता है? प्राणहिता। ठीक है, इन दोनों के संगम को जो है प्राणहिता इनको बोला जाता है। और इसकी जो लंबाई है 570 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी बेटा? बाघ, बर्धा, बजान, बामनखेड़ी, खेल, तेज, राम, सांबर, थावर आदि नदियाँ जो है इसकी क्या है बेटा? सहायक नदी। देखिए, तो वैनगंगा से हमारा जो है क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट हो गया, कि वैनगंगा जो नदी हमारे सिवनी से निकलती है। ठीक है, और इसके जो अन्य नाम है, अन्य नाम पे बहुत ज़्यादा दीदी वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि दीदी किसका नाम है, तो वो है वैना, वैना। इसके जो अन्य नाम है वो आपके वैना, दीदी, वैन्या, सब ये सारे इसके जो है नाम है। सतपुड़ा जो श्रेणी आपकी रजोलताल से अर्धाकार जो व्रत बनाकर जो है यह नदी बहती उत्तर की तरफ, उत्तर पूर्व की ओर बह जाती है। फिर उसके बाद में महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में कहाँ पर मिल जाती है? वर्धा नदी में मिल जाती है। और इसकी जो लंबाई होती है वह 570 किलोमीटर है। और इसके जो सहायक नदियाँ हैं वो आपकी बाघ, वर्धा, बजाना, बामन, खेड़ी, खेल, तेज, राम, सांबर, थावर आदि जो नदियाँ बेटे इसकी क्या है? सहायक नदियाँ हैं। किसकी? आपकी वैनगंगा की। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको जो है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए, ये रही आपकी तवा नदी। तवा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? क्या क्वेश्चन है दोस्तों हमारा? तवा नदी का जो उद्गम आपका जो है कहाँ से हुआ है? ए बी सी डी हमारे पास चार ऑप्शन है। ठीक है, इसका जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा बेटा? हमारा लास्ट वाला जो है महादेव काली पहाड़ी जो है अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ। देखिए, तवा नदी का उद्गम आपके होशंगाबाद जिले से हुआ है। कहाँ से हुआ बेटा? आपके होशंगाबाद जिले से जो है आपकी तवा नदी का जो है उद्गम हुआ है। ठीक है, तवा नदी होशंगाबाद जिले पचमढ़ी में स्थित महादेव की पर्वत। देखिए, मैंने आपको जब सतपुड़ा पढ़ाया था, मैंने आपको जब सतपुड़ा बताया था, तो देखिए ये रही आपकी महादेव श्रेणी। कौन सी रही बेटा? महादेव, महादेव की जो श्रेणी रहेगी आपकी रही महादेव पर्वत, जिसको बोलते हैं महादेव श्रेणी बोल दो या महादेव पर्वत बोल दो। बात एक ही, यहाँ पे जो सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी? धूपगढ़ है, मैंने बताया था आपको। धूपगढ़ जिसकी ऊंचाई आपकी कितनी है? 1350 है। ठीक है, ये आपका मेकाल पर्वत है। कौन सा है? मेकाल पर्वत है, जहाँ से आपके अमरकंटक से आपकी जो नर्मदा नदी निकली हुई। ठीक है, ये आपका राजपिपला है, ये जो पोर्शन है राजपिपला, बड़वानी, बड़वानी। ठीक है, ये आपका इधर बुरहानपुर दर्रा है। तो यहाँ से जो महादेव पर्वत है, यहीं से ही जो आपके कौन सी नदी निकली बेटा? तवा नदी जो निकली है, ये कालीवित्त पहाड़ियों से, मतलब यहीं पे ही पचमढ़ी में ही आपके जो है कालीवित्त पहाड़ी है। इस कालीवित्त पहाड़ी से ही जो आपकी तवा नदी निकली हुई है। इसकी जो लंबाई टोटल कितनी है? 172 किलोमीटर। इसकी क्या है? 172 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी जो नदियाँ हैं देवना और मालिनी, देवना, मालिनी, सुखद, इसकी क्या है मतलब इसकी पश्चिम की और जो नदियाँ हैं वो मिलती है, पश्चिम की तरफ नदियाँ मिलती, वो होशंगाबाद में यहाँ पर भद्रबांध गांव में, भद्रबांध गांव में नर्मदा में मिल जाती है। होशंगाबाद में यह नदी आकर जो है मिल जाती है। होशंगाबाद में देखना आप लोग, जब हम लोग पचमढ़ी से जब रिटर्न में अगर आते हैं, आप लोग कभी गए हो तो देखना कि तवा नदी जो है बहुत ही बड़ा इसका पुल बना हुआ है, बहुत लंबा पुल इसका बना हुआ है। और
और मतलब बहुत ही अच्छा दृश्य, इसका देखने लायक दृश्य है। आप लोग कभी जाए पचमढ़ी तो बिल्कुल देख कर आना आप लोग। और होशंगाबाद के पास में भद्रबांध गांव के पास में यह नदी आकर किसे मिल जाती है, आपकी नर्मदा नदी से मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको जो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि मध्य प्रदेश में खान नदी कहाँ से निकलती है। मध्य प्रदेश में खान नदी, बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बहुत बार जो है पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में जो है आपकी, मध्य प्रदेश में जो है आपकी खान नदी कहाँ से निकलती है। तो ABCD आपका जो ऑप्शन दिए, अधिकतर बच्चों को पता होगा कि खान नदी जो है कहाँ से निकलती, खान नदी आपकी जो है कहाँ से निकलती, इंदौर से निकलती। कहाँ से निकलती बेटा, इंदौर से निकलती। तो सी आपका जो होगा राइट आंसर होगा। देख लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैं आप लोगों को दे देती हूँ, ठीक है, क्योंकि जो है डिस्क्रिप्शन देना भी बहुत ज़रूरी है बेटा, क्योंकि समझ में हम लोगों को कैसे आएगा फिर। देखिए इसका जो उद्गम है आपके इंदौर से ही नहीं हुआ है, इंदौर से आपका 11 किलोमीटर दूर एक गांव आता है। कौन सा गांव? उमरिया गांव कहाँ पर? जहाँ पर राला मंडल आता है, राला मंडल जहाँ पर आप लोग घूमने जाते हैं, ठीक है, राला मंडल, वो वहाँ से हुआ है। किसका? आपकी जो है कौन सी नदी? खान नदी को कान्हा नदी भी बोला जाता है। खान नदी का अन्य नाम क्या है? कान्हा नदी का अन्य नाम क्या है बेटा? कान्हा नदी ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर इसको कितने किलोमीटर? 74 किलोमीटर इसका जो है कितने? 74 किलोमीटर ये बहती है। और कहाँ पर आकर? इंदौर में कहाँ पर आकर, मतलब इंदौर से बहकर जो है सावेर में मतलब उज्जैन से बहते हुए सावेर के निकट, ठीक है, कहाँ से? सावेर के निकट इंदौर में बहते हुए कितना? 74 किलोमीटर बहते हुए आपके सावेर के पास में उज्जैन। अब उज्जैन में जो कौन सी नदी आपकी? शिप्रा नदी बेटा। शिप्रा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिल जाती है बेटा? जैसे कि कहाँ से निकली? राला मंडल से मतलब 74 किलोमीटर बहते हुए सावेर तक जाती है। सावेर के बाद में ये नदी आपके उज्जैन में जो शिप्रा नदी बहती है, शिप्रा नदी में ये नदी कौन सी आपकी, खान नदी बोल दो या कान्हा नदी बोल दो, ये मिल जाती है, ठीक है, मिल जाती है। और ये क्या बनाती है? एक त्रिवेणी घाट का निर्माण करती है। कौन सी नदी आपकी? यही वाली नदी। कौन सी वाली? आपकी जो खान नदी और आपकी जो है शिप्रा नदी। खान नदी जिसको कान्हा नदी बोला जाता है। और ये जो आपकी किससे मिलेगी? यहाँ पर उज्जैन में शिप्रा से मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? शिप्रा से मिलेगी। और यहाँ पर एक त्रिवेणी घाट का निर्माण करती है, ठीक है, किसका निर्माण करती है? त्रिवेणी। और एक और जो नदी है जो आपकी कहाँ से निकलती है? आपके महू से निकलती है, सरस्वती नदी। कौन सी नदी? सरस्वती नदी आपके महू से निकलती है, जो कि खान नदी की सहायक नदी है। आप लोग अगर इंदौर के ही रहने वाले हैं तो जो है कि आपका जो किसन पुल जहाँ पर आप लोग जाते हैं राजवाड़ा में जो एंट्री करते हैं, वहाँ जो नदी नीचे जो बहती वही नदी आपकी सरस्वती नदी, ठीक है। तो वो जो सरस्वती नदी जो है आपकी कहाँ से निकली बेटा? आपके जो है महू से वाली नदी निकली हुई, और कहाँ मिल गई? आपके खान नदी में, जिसको कान्हा नदी बोला जाता है, उस नदी में मिल गई ये वाली नदी, ठीक है। और देखिए पहले ये नदी काफ़ी पवित्र मानी जाती थी, इंदौर की जीवन रेखा इस नदी को माना जाता था, खान नदी को। लेकिन आने वाले जो समय में इसको काफ़ी बड़े नाले में ये नदी क्या है, तब्दील हो गई है। तो लेकिन अभी जो वर्तमान में इसको जो गंगा प्रोजेक्ट है इसमें इसको शामिल करा गया है, ताकि इस नदी को वापस से मतलब इसको जीवित किया जाए और वापस से इसका पानी साफ़ किया जाए और पीने योग्य पानी इसका जो है अपने को हम लोग यूज़ कर पाएँ, ठीक है। फिर होता है खान नदी है यह क्या करती है? मतलब इंदौर की जीवन रेखा थी, क्या थी ये खान नदी? इंदौर की जीवन रेखा थी, और अब ये गंदे नाले में तब्दील हो गई है। और यह क्या करती है? इंदौर के कृष्णपुरा छतरी के पास, कहाँ पर बेटा? कृष्णपुरा छतरी के पास यह नदी कहाँ पर मिल जाती है? कान्हा और सरस्वती जो है दोनों मिल जाती है, कान्हा और सरस्वती जो है मिल जाती है। और कान्हा व सरस्वती को कहाँ पर एक्शन प्लान में शामिल करा गया है? कौन से जो एक्शन प्लान मतलब जहाँ पे नदियों को जो है मतलब इनको इनका जल जो है पीने योग्य बनाया जाता है, शुद्ध बनाया जाता है, वो वाला जो गंगा नदी का जो एक्शन प्लान है उसमें इसको जो है शामिल किया गया है, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको जो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों MPPSC मेंस की हमारी इंग्लिश और हिंदी मीडियम जो है क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, ये जो होगी आपकी 23 जैन से स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग हमारे जो है एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, या फिर हमारे संस्था में आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों
ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा देखिए ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं नदियों को लेकर, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपके नदियों को लेकर पूछे जाएंगे और आप लोगों को जो है अच्छे से इसको करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपका है, जॉग लोंग तथा तिल किस नदी की दाएं ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। कौन कौन सी बेटा, कौन कौन सी नदी पूछी आप लोगों की, जो ये जॉग लोंग तथा जो तिल किसकी दाई ओर से मिलने वाली नदियाँ हैं, ठीक है। तो देखिए जो है ये अपने क्या है, एबीसीडी हमारे पास क्या है बेटा, चार ऑप्शन है। एबीसीडी हमारे पास क्या है, चार ऑप्शन है। देखिए बेटा तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, महानदी। क्या होगा बेटा, राइट आंसर हमारा क्या होगा, महानदी होगा, ठीक है। महानदी जो है आपकी कहाँ से निकलती है, महानदी आपकी जो है, महानदी आपके निकलती है छत्तीसगढ़ से। कहाँ से निकलती बेटा, छत्तीसगढ़ से जो आपकी नदी जो है यह निकलती है, ठीक है। तो ये नदी जो है देखिए छत्तीसगढ़ से नदी जो है महानदी आपकी बहती है, और ये जो है इसके दाएं तरफ जैसे ये नदी बह रही है, ये नदी जो बह रही है, तो ये इसका राइट होगा, ये आपका लेफ्ट, राइट मतलब दाईं ओर, और ये होगा आपका बाईं ओर, ठीक है। ये नदी बह रही है तो महानदी जो आपकी नदी है, महानदी के ही ये जो जोग नदी है, जोग लोंग तथा तेल, ये नदी आपकी महानदी के राइट साइड में मिलने वाली जो है ये नदियाँ, नदी आपकी जो है, ठीक है। चलिए दोस्तों आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा छिंदवाड़ा की जीवन रेखा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, छिंदवाड़ा की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। कौन सी बेटा, छिंदवाड़ा की जो जीवन रेखा है वो किसे कहा जाता है। जीवन रेखा की बात हो रही है, ठीक है। बात किसकी कर रहा है बेटा, ये जीवन रेखा की। तो ए बी सी डी हमारे पास चार ऑप्शन है। ए बी सी डी हमारे पास क्या है, चार ऑप्शन है, जिसमें कि जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी। राइट आंसर क्या होगा बेटा हमारा सी, कुल बहरा जो नदी है वो क्या होगी, छिंदवाड़ा की क्या होती है हमारी जीवन रेखा। क्योंकि बेटा ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है वही मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन के लिए, ठीक है। तो जो है देखिए यहाँ पर छिंदवाड़ा से अगर आपसे देखिए पूछ ले कि छिंदवाड़ा की जो, देखिए छिंदवाड़ा की जो जीवन रेखा है वो आपकी क्या पूछेगा, वो कि कुलबहरा नदी जो है इसकी क्या है जीवन रेखा है, ठीक है। इसका थोड़ा सा हम लोग डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, हम लोग समझ लेते हैं इसको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन की जो प्रवृत्ति बेटा वो आपसे कहीं से भी पूछ लेगा, छत्तीसगढ़ से भी पूछ लेगा, तो छिंदवाड़ा से भी पूछ लेगा, कहीं से भी पूछ लेगा। देखिए क्या है कि कुलबहरा कौन सी नदी बेटा, कुलबहरा जो नदी है ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के उमरेड तहसील से निकलती। कहाँ से बेटा, आपका जो छिंदवाड़ा है उसकी उमरेड तहसील से निकलती है, जो छिंदवाड़ा के दक्षिण पूर्वी भाग में प्रारंभिक होती है। कहाँ से, जो छिंदवाड़ा का दक्षिण वाला जो भाग है वहाँ से प्रारंभ होती है, और 80 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात, कितनी बेटा 80 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात विसापुर चांद के उत्तर से ही निकलती हुई पेज नदी में, कहाँ पर, इसके पश्चात विसापुर चांद के उत्तर से बहते हुए पेज नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी उमरानाल एवं बोदरी नदी। कौन सी नदी, बोदरी नदी, ठीक है। देखिए नदियाँ जो है क्वेश्चन आप लोगों से ऐसी नदियों से ही पूछे जाएंगे कि देखिए कॉमन क्वेश्चन तो हर कोई पढ़ता है, सभी पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा डीप हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो नदी आपकी जो कुलबहरा नदी है वो है आपकी जो है, देखिए इस तरीके से जो बहती है छिंदवाड़ा से बहती है, छिंदवाड़ा की उमरेड तहसील से निकलती है, जो कि छिंदवाड़ा के दक्षिण पूर्वी भाग से प्रभावित होती है। 80 किलोमीटर दूरी तय करने के पश्चात यह विसापुर चांद के उत्तर से होती हुई पेज नदी में मिल जाती है, ठीक है। और इसकी जो सहायक नदी वो आपकी उमरानाल एवं जो बोदरी जो नदी वो इसकी क्या है बेटा, सहायक नदियाँ, ठीक है। आई होप कि आपको जो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा कि मंदसौर जिले में, क्या क्वेश्चन है हमारा, मंदसौर जिले में भगवान पशुपति नाथ का मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है। क्या क्वेश्चन पूछा बेटा, मंदसौर जिले में भगवान पशुपति नाथ का मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है। देखिए आप लोगों को शायद पता होगा कि जो मंदसौर है आपका पशुपति नाथ के मंदिर के लिए बहुत फेमस है। किस मंदिर के लिए, पशुपति नाथ का जो मंदिर है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। देखिए इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो कौन सी नदी, आपके शिवाना जो नदी है वो नदी के किनारे है, आपका कौन सा मंदसौर जो है उसी नदी के किनारे पर बसा हुआ, ठीक है। पशुपतिनाथ का जो मंदिर है, जिसे ये मंदिर और मंदिर के किनारे पर ही नदी है ये वाली, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका कौन सा होगा, सी राइट आंसर होगा। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम लोग। देखिए शिवाना जो नदी है कहाँ पर, आपके राजस्थान के चित्तौड़ जिले से, राजस्थान के कौन से बेटा। देखिए क्योंकि देखिए अब अगर उसने ये पूछ लिया
कि जो है आपकी शिवाना नदी जो है आपकी मंदसौर में, मतलब जो पशुपतिनाथ का जो मंदिर है वो आपके कौन सी नदी के किनारे हैं मंदसौर में, अगर उसने ये पूछ लिया तो उसको ये पूछने में कोई भी वो वाली परेशानी वाली कोई बात नहीं। वो आपसे ये भी पूछ लेगा कि जो है आपकी नदी जो है शिवाना नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, तो अपने को पता होना चाहिए कि ये नदी जो है कहाँ से बहकर आई है। बेटा राजस्थान के चित्तौड़ जिले से, राजस्थान के चित्तौड़ जिले का अरनोद तहसील में स्थित शिवाना, क्या बेटा शिवाना जो है नामक, शिवाना नामक ग्राम से जो है नदी निकलती, कौन से शिवाना नामक ग्राम से जो है नदी निकलती है। इसके सहायक नदी कौन सी, सोमली रैतम, सोमली और रैतम जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में इसी नदी के तट पर भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है और तापेश्वर महादेव भी मंदिर है। यहाँ पर दोनों मंदिर है, कौन से मंदिर है, एक तो पशुपतिनाथ का मंदिर है, ठीक है, एक तो पशुपतिनाथ का मंदिर है और दूसरा आपका क्या है, और ये जो पशुपतिनाथ का मंदिर है, ठीक है, पशुपतिनाथ का मंदिर ये कौन सा है बेटा, अष्टमुखी कितना है, ठीक है, ये जो और इस मंदिर की जो पशुपतिनाथ का जो मंदिर है, पशुपतिनाथ का जो मंदिर है इसकी तुलना जो काठमांडू नेपाल के जो मंदिर है इससे इसकी तुलना करी जाती है, इसकी जो है तुलना करी जाती है। और ये जो है देखिए, जैसे कि महाकालेश्वर मंदिर के बारे में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी तरीके के जो क्वेश्चन भी है जो आपके मंदसौर से जो है पशुपतिनाथ जी के लिए जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, और आपको समझ में आया होगा कि जो मंदसौर आपका जो है शिवाना नदी के किनारे बसा हुआ है, शिवाना नदी आपके राजस्थान के चित्तौड़ से निकलती है, ठीक है, निकलते हुए जो है आप मध्य प्रदेश में आती है, और मध्य प्रदेश में आपके जो मंदसौर जिले में के निकट, मंदसौर जिले के निकट जो है नदी क्या करती है बेटा, मतलब ये जो है भगवान शिव पशुपतिनाथ जी का जो मंदिर यहीं पर ही बना हुआ है, ठीक है। देख लीजिए इस तरीके का ये मंदिर है, थोड़ा सा पिक्चर ब्लर हो गई, इतनी अच्छी पिक्चर नहीं आई है, लेकिन मैंने ट्राई किया। देखिए ये रहा मंदिर और ये रही आपकी शिवाना नदी, लेकिन जब बारिश आती है ना तो बारिश में इसका जो प्रकोप है और भयंकर हो जाता है, मतलब पानी की मात्रा बढ़ जाती है, मात्रा बढ़ जाएगी तो ये मंदिरों की सीढ़ियों तक काफ़ी तक पानी भर जाता है और काफ़ी भयानक जो सीन हो जाता है। तो ये रहा आपका मंदिर और मंदिर के सामने ये रही आपकी शिवाना नदी। आप लोग जब भी जाएँ मंदसौर घूम कर आना, बहुत अच्छा मंदिर है, देखने लायक दृश्य है, ठीक है। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, क्या पूछा गया, तो पारसिली कौन सी नदी के किनारे स्थित है, पारसिली जो है आपका कौन सी नदी के किनारे स्थित है। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हमारे पास, ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए, जिसमें से राइट आंसर होगा बनास नदी। पारसिली एक पर्यटक प्लेस है जो कि आपके बनास नदी के किनारे पर, कहाँ पर बेटा, बनास नदी के किनारे पर। देखिए इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि देखिए डिस्क्रिप्शन से ही मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है कवर करवा दूंगी, ठीक है। देखिए पारसिली एक रिसॉर्ट खूबसूरत बना है, एक क्या है, रिसॉर्ट बना हुआ है, जैसे आप लोग घूमने जाते हैं अभी गर्मियों में रिसॉर्ट में, उसी तरीके से पारसिली जो भी क्या एक रिसॉर्ट है, ठीक है। यह कहाँ पर है, बनास नदी के किनारे, कहाँ पर है, बनास नदी के किनारे, कहाँ पर है, सीधी जिले में, कौन से जिले में बेटा, सीधी जिले में, कौन से, सीधी जिले में यह स्थित है। और यह क्या है, टूरिज्म के लिए, टूरिज्म के लिए बनाया गया है, किसके लिए बनाया गया है बेटा, टूरिज्म के लिए यह बनाया गया, मतलब टूरिज्म मतलब बाहर के जो फॉरेनर लोग हैं या विदेशी लोग, अपने संजय सीधी के लोग भी जाकर देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि बाहर के लोग हैं, पर स्पेशली जो बाहर के जो लोग आते हैं वो वहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी जगह है, देखने लायक जगह है। आप लोग भी कभी जैसे हॉलीडे स्पेंड करना हो तो बिल्कुल आप लोग जाइएगा और घूमकर आइएगा। सीधी जिले में संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही आता है। देखिए मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया था संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान, तो वो आपका कहाँ पर आता है, सीधी में ही आता है, तो सीधी ये इसी के अंतर्गत बनाया गया, मतलब जैसे कि संजय राष्ट्रीय उद्यान है और उस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही जो है ये जो पारसिली रिसॉर्ट है ये बनाया गया है, क्योंकि जंगलों के बीच में ही इसको बनाया गया है। यहाँ भी बीच में बहुत सारे जंगल है, बैठने के लिए बहुत अच्छी जगह है और बहुत प्यारे प्यारे सीन है यहाँ पर, है ना। तो और जंगल सफारी के लिए भी सुविधा दी गई, किसके लिए बेटा, जंगल सफारी जो है इसकी, जंगल सफारी भी यहाँ पर आप लोग भैया मतलब जो सफारी लेकर भी जो आप लोग वहाँ पर घूम सकते हो, ठीक है, ओपन जिप से जिससे आप लोग घूमते हो वो वाला ऐसा यहाँ पर सिस्टम है कि आप लोग यहाँ पर घूम सकते हो। तो जो पारसिली एक बहुत खूबसूरत क्या है, एक रिसॉर्ट है जो कि बनास नदी के किनारे पर है, बनास नदी प्रवाहित होती है, और आपका सीधी में जो आपका संजय दुबरी जो अभयारण्य है इस राष्ट्रीय उद्यान है, सॉरी, इस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही जो है ये अपना रिसोर्ट आता है। और ये बहुत मतलब यहाँ पर जो पर्यटक जो है घूमने फिरने की जगह है, और यहाँ पर बहुत सारे विदेशी लोग जो है आते हैं, भ्रमण करते हैं, और यहाँ पर जो है सफारी की भी व्यवस्था आप लोगों के लिए करी गई है। तो देखिए आप लोगों ने तो शायद आप क्या पता जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन मैं यहीं आपको थोड़ा सा एक थोड़ा सा व्यू बता देती हूँ ताकि आप लोगों को इंटरेस्ट है। देखिए ये रहा इसका, ये रहा ये आपका जो है पारसिली वो है रिसॉर्ट है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और इसके व्यूज़ इतने सुंदर है। देखिए कि एंट्रेंस ही ऐसा है जैसे अंदर पूरा जंगल है, इसमें अंदर क्या है, पूरा आपका जंगल है, और ये पूरा जंगल जो है बना हुआ है,
और बहुत ही खूबसूरत जो है दृश्य है इसका। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये नदी आपकी है ना, ये नदी है, देखिए नदी है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। इस तरीके से जो है बहुत ही मतलब जो है खूबसूरत जो है दृश्य इसका है और देखने लायक जो है ये जगह है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी और भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की सीरीज़ लेकर आऊँगी मैं। ठीक है दोस्तों, और इसी तरीके से आप लोग बने रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी आशा के साथ आप लोग हमारे साथ बनिए। आप लोग बहुत मेहनत करिए, आगे बढ़िए। बस मैं यही चाहती हूँ दोस्तों कि जीवन में आए हूँ, मतलब एक अपने अपना ओपिनियन मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ कि अगर कोई इंसान है, अगर वो बस जी रहा है, सिर्फ जी रहा है, जीना उसी को बोलते कि भैया उठा खाना खाया, उसके लाइफ का कोई रूटीन ही नहीं है बस, वो तो वो जीवन नहीं होता है। आप एक मृत व्यक्ति के समान हो आपका जीवन। लेकिन अगर आप में आपके अंदर कोई एम नहीं है, आपके अंदर कोई इच्छा नहीं है, तो आप लोगों का जीवन व्यर्थ है बेटा, आप मुर्दे के समान हो। तो बेटा अगर आपके आप चाहते हो ज़िंदगी में कुछ अच्छा बनना या बहुत अच्छी आपकी अलग से पहचान हो, आप लोगों को जो है आपके नाम से जो है आपको जाना जाए, आपके जो अपने कर्म करें उसके हिसाब से आपको जाना जाए, तो दोस्तों मेहनत करना बहुत ज़रूरी है और अपने अंदर का जो ड्रीम है आपको क्या बनना है उसको ज़िंदा रखिए, उसके लिए मेहनत करिए। दोस्तों यही मेरी आशा है आप लोगों के साथ, आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।